हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ मॉम। आज जो हम डिशेस बनाने वाले हैं वो लेफ्ट ओवर रोटी, पराठा और राइस का यूज़ करके बनाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो इनका यूज़ मैंने कैसे किया ये देखते हैं। रोटी या फिर पराठे की चिप्स, तो मेरे पास ये तीन पराठे पड़े हुए हैं और ये दो रोटी पड़ी हुई, तो हम इसको पहले लंबे लंबे स्लाइस में कट करेंगे। हम इसको इस तरह से कट करेंगे। साइज आप कोई भी रख सकते हैं, आपको जिस तरह से भी इस तरह से काटने हो तो इस तरह से, आपको इस तरह से लंबे कट करने हो तो इस तरह से, जैसे आपकी चॉइस उस तरह से कटेंगे। इस तरह से हम सारे कट करेंगे। ये हमने रोटी को लंबे लंबे पीसेज में रेडी कर दिया है। अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर दिया है। अब हम उसमें ये रोटी के और पराठे के पीसेस डालेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। बस ये इस तरह के हो जाए, हल्के से लाइट गोल्डन, तो हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी सारे रोटी के पीसेस भी फ्राई कर लेंगे। अभी ये मैंने सारे रोटी के चिप्स तल लिए हैं और उस पर मैंने थोड़ा सा जीरावन मसाला डाला है और थोड़े चिली फ्लेक्स डाले। अगर आपके पास जीरावन मसाला नहीं हो तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। मेरे पास ये तीन पराठे पड़े हुए हैं, लेफ्ट ओवर हैं जो डिनर के बच गए। तो इन पराठों को हम ये मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लेंगे, उसमें इस तरह से पीसेज में कट करके हम ग्राइंड कर लेंगे इसको। ये मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है, हमें इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में ग्राइंड। अब मैंने ये कढ़ाई ली है, उसमें मैंने इस स्पून से 2 स्पून ऑयल डाला है, उसमें पिंच ऑफ हिंग डाला है और 1/2 स्पून जीरा डाला है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 स्पून राई और फिर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली। ये मैंने एक हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर रखा है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं, लहसुन की कलियों को भी मैंने फाइनली चॉप कर रखा है। और ये बनाना है, इसमें डालेंगे 1/2 स्पून सॉल्ट और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 स्पून शुगर डालेंगे और जब तक ये अनियन और गार्लिक ये सॉफ्ट हो जाते तब तक हम एक कटोरी में मसाले निकाल लेते हैं। अब हम एक कटोरी में 1/2 स्पून ये सौंफ लिए मैंने, ये सौंफ डालेंगे, 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और ये 1/2 स्पून सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे। और अब इस मसाले को हम वो प्याज और लहसुन के साथ हम मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर दिया है और हमने इसमें 1 स्पून पानी भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। अब ये मसाला अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसमें ये पराठे के पीसेस डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमारे पराठे पोहे तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। हम हमारे पराठे पोहे को नींबू और नमकीन के साथ सर्व करेंगे। आज मैंने बनाया लेफ्ट ओवर रोटी से पिज्जा, तो उसके लिए मैंने उस पर पिज्जा टॉपिंग लगा दी। फिर मैंने ऑनियन, कैप्सिकम और कॉर्न को मिक्स करके उसमें मैंने डाला है ओरिगेनो और मैंने डाले मिक्स हर्ब्स। अब हम इस पे अनियन रखेंगे। और अब इस पे डालेंगे लॉट्स ऑफ मोजरेला चीज और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अब हमने पिज्जा को प्लेट में निकाल दिया। अब हम इस पे थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करके सर्व करेंगे। आज हम बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर राइस से बिरयानी। तो ये मैं ये वेजिटेबल्स यूज करूंगी। मैंने ये लिया है कैप्सिकम, कैबेज है, ये लिया है मैंने लहसुन लिया है मैंने फाइनली चॉप कर रखा है और अनियन लिया है। अब मैं इसमें एक ग्रीन चिली का पेस्ट भी ले लिया। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया, उसमें सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई किया, सॉल्ट डाला, सारे मसाले डाले और बिरयानी मसाला भी डाला। और अब हम लास्ट में इसमें राइस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और फिर हम इसमें हरा धनिया और पुदीने के पत्ते डाल के अच्छे से सर्व करेंगे।